अरे भाई, सपा पार्टी वालों ने माननीय मुलायम सिंह जी के नाम से या ललई सिंह यादव के नाम से कोई बड़ा सा स्मारक स्थल क्यों नहीं बनाया कि जो बहन मायावती जी ने 5 साल में कर दिखाया, और सत्ता के पुजारी जो बार बार आते रहे, उन्होंने ऐसे स्मारक स्थल क्यों नहीं बनाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ, और आज हूं मैं नवाबों के शहर लखनऊ में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये जिस तरह से आप ये धरोहर देख रहे होंगे, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाना चाहूंगी। आज हूं मैं माननीय श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल। जी हाँ साथियों, ये वही स्थल है जो बहन जी के शासन काल में बना और इसने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा, और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि आज पहली बार यहाँ पर मेरा आना हुआ है। बहुत भव्य कार्यक्रम हम न्यूज चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलते थे, और इसी कड़ी में आज मेरे साथ में अनिल जी हैं, तो उन्हीं से जानना चाहूंगी। अनिल जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि बहन जी का जब शासन काल आया तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश की एक दिशा, एक दशा पूरी तरह से बदल गई, और हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में काम हुआ। और उत्तर प्रदेश के अगर हम किसी भी कोने में निकल जाएं, चाहे मैं नोएडा की बात करूं या लखनऊ की बात करूं या किसी भी कोने में निकल जाऊं, तो साफ साफ हमें वो बहुजन महान पुरुषों का इतिहास दिखता है जिसको कि बहन जी ने इन मूर्तियों के तहत या इस तरह की आकृतियों के तहत या इतिहास के तहत रचने का काम किया। लेकिन आज क्या है कि देश में इतने सारे संगठन हैं लेकिन एक नहीं है। नीलम जी, आपका और एनबी न्यूज चैनल का अभिनंदन। अगर आपके प्रश्न को मैं एनालाइज करूं तो इंसान के, किसी भी इंसान की पहचान उसके द्वारा किए हुए कार्यों से होती है, और यहाँ ये कार्य, जब मैं यहाँ लखनऊ में इस माननीय कांशीराम स्मारक स्थल पे हूँ, तो मैं बहन जी के कार्यों को पत्थरों में उकेरा हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ये हाथी, ये राज सत्ता के प्रतीक। मैं देख रहा हूँ यहाँ गरीबों को, जो उनके मन के, उनके चेहरे से उत्साह दिखता है। मैंने पूछा, अभी कुछ गरीब महिलाएं थी, जो लोग थे, मैंने कहा आपको आके यहाँ कैसा लगता है, तो वो बताते हैं हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यानी उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। तो ये माननीय कांशीराम साहब प्रेरणा स्थल गरीब, मजलूम, कमजोर लोगों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुजनों, जिनको 85% बहुजन कहा जाता है, यानी कि भारत के 120 करोड़ लोगों के लिए मोटिवेशन का एक केंद्र है। इससे सामाजिक मोटिवेशन और एक तरह से उन्हें एक प्रेरणा मिलती, उत्साह मिलता कि ये हमारा एक बुजुर्ग है जो इतने इतने बड़े काम कर गए। इससे एक बात और दिखती है कि जब उनकी सत्ता आती है तो वो कितने कितने बड़े काम कर सकते हैं, कितने बड़े काम कर दिए हैं, बाकी लोग ऐसा काम नहीं कर पाते। तो जो SC ST OBC के जितने और 40-50 लाख संगठन चला रहे हैं, पता नहीं कोई पार्टियां चला रहे हैं, मुझे उन पे कोई कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे इतना कहना है कि काम जो करो तो कुछ ऐसे करो जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो, और इस देश में जो रेवेन्यू आता है ना, जैसे यहाँ लखनऊ में अभी हम टिकट लेके आए, इससे सरकार का भी भला हुआ। तो कार्यों से इंसान को पहचाना जाता है। तो हम ये स्मारक स्थल माननीय कांशीराम साहब और बहन जी के कार्यों को साक्षात रूप में देख रहे हैं, जो कि 100 साल तक ये दिखाई देते रहे। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। अनिल जी, जिस तरह से आपने इतिहास भी बताया और जिस तरह से जो यहाँ पर पत्थरों के द्वारा जो एक इतिहास उकेरा गया है उसको भी बखूबी तरीके से रखा, लेकिन जानना चाहूंगी जिस तरह से इन पत्थरों को लेकर ही, क्योंकि पत्थर दूसरे ही संस्कृति के लोग बोल रहे थे और लगातार एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में पत्थर ही पत्थर खड़े कर दिए, और उसी का कारण रहा कि सरकार भी गिरी। लेकिन क्या बात है कि इतना लंबा समय हो गया, एक राजनीतिक खाई बन गई है अगर हम देखें तो। अभी जिस तरह से 2022 के चुनाव हुए, बहुजन समाज के लोगों में बहुत बड़े स्तर पर उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और जो अत्याचार शोषण लगातार इस देश के बहुजन समाज पर हो रहे थे उनसे निजात मिलेगी, लेकिन परिणाम कुछ और ही आए। मैं इतिहास में फिर आपको ले जाना चाहूंगा। सम्राट अशोक, जो भारत का सबसे बड़ा सम्राट हुआ, जिसने अकेला धम्म को, और बाबा साहब के पहले जो बुद्ध का धम्म यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में फैलाया, बड़े बड़े अशोक, जो अशोक के शिलालेख क्या कहते हैं, जो धम्म चक्र, जो राष्ट्रीय चक्र है, वो सम्राट अशोक के शिलालेखों से वहां से दिखता है ना, धम्म चक्र प्रवर्तन आएगा। तो वो भी, वो इतिहास कभी सम्राट अशोक के शिलालेखों में, जो सांची
से लेकर के मांस की एडिक्ट में दिखता है, जो इंसानों के प्रति दया, करुणा और भाईचारे का संदेश जो कभी सम्राट अशोक ने दिया, वो यहाँ हम देख रहे हैं, पिलर्स देख रहे हैं। वो अगर आप दूर देखेंगे तो वो पिलर हैं, वो जो पिलर हैं, विजय स्तंभ हैं, जो सम्राट अशोक के पिलर जैसे ही हैं। तो यहाँ वो उस राजसत्ता की पुरानी कहानी दिखाते हैं, पुराना इतिहास बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि ये गरीब लोग हमेशा से गुलाम नहीं थे, ये गरीब लोग कभी यहाँ के शासक हुआ करते थे, कभी यहाँ के मालिक हुआ करते थे। अब वो मालिक नहीं है, इनका धन छीन लिया गया, इनका सब कुछ चला गया, आज वो मालिक नहीं है। और लेकिन अगर वो भारत का संविधान पढ़े, अगर वो भारत का राष्ट्रीय झंडा देखे, अगर वो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा देखें, अगर वो भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रपति का भवन देखें या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर देखें, तो वहां पे जब धम्म चक्र दिखता है या राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र दिखता है, तो वहां भी सम्राट अशोक नजर आते हैं। और हर नोट पर सम्राट अशोक नजर आते हैं, और हर घर में, हर व्यक्ति में, भारत के हर व्यक्ति की जेब में, उसके पर्स में सम्राट अशोक और बहुजन भारत नजर आता है। एक तो ये इतिहास की बात। लेकिन आज क्या है कि देश में इतने सारे संगठन हैं, लेकिन एक नहीं है। नीलम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, संदेश एक और देना चाहूंगा। जो लोग भी, मुझे नहीं पता, जो लोग भी भारत के बहन मायावती जी को कहते हैं उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने क्या किया, तो वो लोग जो बहन मायावती जी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो लखनऊ आकर के देखें। पहली बात तो वो अपनी माताओं बहनों को जरा समाज में एक महीने काम करने के लिए भेजें। तो पहला संदेश उनके लिए, जो बहन मायावती जी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो अपनी माताओं बहनों को या पत्नियों को जरा एक महीने समाज में समाज सेवा के लिए काम करने भेजें, तो मैं जानूंगा। दूसरा, अगर जो नेता लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ नेता लोग भी है, नहीं मायावती ने ये नहीं किया, मायावती ने वो नहीं किया, तो उन पार्टियों के, उन सारी पार्टियों के उन नेताओं को मेरा ये संदेश है, जरा ऐसा एक स्मारक स्थल, जैसे उत्तर प्रदेश में एक दूसरी पार्टी है, मैं पार्टी सपा और बसपा ज्यादा रही हूँ, तीसरी बीजेपी, मैं सपा पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो वो जो सपा पार्टी वाले क्रिटिसाइज करते हैं मायावती ने ये किया, मेरा ये प्रश्न है उन पार्टियों से, कोई भी पार्टी हो, तो जो बहन मायावती जी को क्रिटिसाइज करते हैं, 5 साल में 100 साल का इतिहास बनाना इतना आसान बात है क्या? और वो भी सत्ता छोड़ने के दम पे, उन्होंने ये नहीं, लोग तो सत्ता से चिपके रहते हैं। बहन मायावती जी का मैं अंधभक्त नहीं हूं, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि मैं अंधभक्त या पूजा या पुजारी नहीं हूं, लेकिन ये सच को सच कहना बहुत जरूरी है कि जो बहन मायावती जी ने 5 साल में कर दिखाया, और सत्ता के पुजारी जो बार बार आते रहे, उन्होंने ऐसे स्मारक स्थल क्यों नहीं बनाए? और जो अगर कहीं बहन जी की सरकार आ गई ना, मैं कह रहा हूं कहीं बहन जी राम मंदिर का भी निर्माण 5 साल में कर देंगी। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, जो हो सकता कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, अगर बहन जी कहीं सत्ता में आ जाती, ये वो 3 साल में राम मंदिर भी इससे भी ज्यादा भव्य बनवा देती, लेकिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग उसी में SC ST OBC में जाति बाद में घुसे रहते हैं। अरे भारत का निर्माण करो, अरे राम मंदिर भी बनाओ, बुद्ध का भी मंदिर बनाओ, और भी जाति सभी के मंदिर बनाओ, अकेले एक जाति के मंदिर से बात नहीं बनती। तो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन करना, जैन का भव्य मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, सिखों का भव्य गुरुद्वारे क्यों नहीं बनने चाहिए, ये तो बड़े प्रश्न है, ये प्रश्न जरूर उत्तरित होने चाहिए। सो इट इज द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड माय चैलेंज टू द पीपल एंड दोज पॉलिटिकल लीडर जो बहन मायावती जी को क्रिटिसाइज करते हैं, 27 स्टेट तुम्हें SC ST OBC के लिए खड़े हुए हैं बाहर, जाओ उन स्टेट में मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चलो बाबा साहब का कर्ज है गुजरात वालों पे, जाओ गुजरात में सत्ता, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की वहां पे जो भूमि है, संकल्प भूमि बड़ौदा में बाबा साहब रोए थे, वहां जाकर के गुजरात में कोई स्मारक बना के दिखाएं जो बहन मायावती जी को क्रिटिसाइज कर। चलो पंजाब वालों को चैलेंज करता हूं, माननीय काशीराम साहब तो पंजाब से आए थे ना,
तो बहन मायावती ने यूपी में कर दिया। तो पंजाब के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो और किसी भी पार्टी के लोग हैं, पंजाब में जरा माननीय काशीराम साहब का नहीं और किसी का एक स्मारक स्थल बना के दिखाएं। चलो मैं एक चैलेंज करता हूं बंगाल के लोगों को। यहां के लोग तो हो सकता उत्तर भारत के लोग बुरा मान जाए, मैं बंगाल के लोगों को इसलिए चैलेंज करता हूं कि बंगाल में बाबा साहब अंबेडकर को जब पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया था, कहा जब मैं खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, तो बंगाल के जयसूर और खुलना से बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को पार्लियामेंट में भेजा, तब उन्होंने बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो बंगाल के लोगों को यह चैलेंज है कि बंगाल में कोई इतना भारी भव्य स्थल बना के दिखाए ना, और पार्टियां, चाहे आप पार्टी बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन और पार्टियां इस तरह के बहुजनों के स्मारक स्थल क्यों नहीं बनाती। यादव लोग, ललन सिंह यादव जिन्होंने सच्ची रामायण की चाबी किताब लिखी, उनका स्मारक स्थल क्यों नहीं बनाते। तमिलनाडु के लोग पेरियार का भव्य स्थल क्यों नहीं बनाते। कर्नाटक के लोग बसव का स्थल क्यों नहीं बनाते। उड़ीसा के लोग भव्य उड़ीसा में क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वहां भी सम्राट अशोक ने कलिंग का राज जीता था, वहां भी बहुजनों की सत्ता थी। इतिहास को उकेरना तो केवल उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने किया है, इसलिए बहन मायावती जी को जो क्रिटिसाइज करते हैं वो ना करें, क्योंकि इंसान की पहचान उसके द्वारा किए हुए कार्यों से होती है, और बहन मायावती जी के कार्य यहाँ में पत्थरों में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अनिल जी, जिन्होंने हमारे साथ में चर्चा की और खासकर इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी बताया कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ और किस तरह से लोग आज कहीं ना कहीं उम्मीद भरी नजरों से इसमें आते हैं और यहाँ पर आकर जो गर्व की अनुभूति लोगों को होती है, और खासकर वो लोग जिन्होंने इस राज्य में सत्ता बनवाई और सत्ता लाकर इतने भव्य कार्यक्रम के लिए एक मजबूती देने का काम बहन जी को किया, तो वास्तव में बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का और मन आकर बहुत ही प्रफुल्लित हुआ है। मैं उम्मीद करूंगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कभी लखनऊ